Assalamu alaikum. Students, I'm little bit late. I'm sorry because हर बार मुझे बच्चे complain कर देते हैं कि थोड़ी सी मैं late हो जाती हूँ. But I'm sorry, I was dealing with question papers. मैं solve करवा रही थी बच्चों को, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी देर हो गई. Okay, coming back to the point. I'm live here today for guiding you people. जो बच्चे 2020 की preparation के लिए willing हैं, let me guide them from zero. ठीक है, आपको जो कुछ बातें आपके नोटिस में लेकर आना ज़रूरी हैं, अदर देन दिस कि आपके पास बुक का कंटेंट अवेलेबल हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ योर इंग्लिश. जब तक आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगी, आप लोगों को मैं आपको ये बता दूं, PPSC, FPSC, इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर CSS और यू आर अपेयरिंग फॉर PMS, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू राइट, यू हैव टू थ्रो द आइडियाज़. जहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ इट इज़ अबाउट बुक, आप खाली किताब के मटेरियल को आगे रख लें और लिख दें, वो उनको रिक्वायर्ड नहीं है. जो चीज़ उनको रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कि आप अपना स्टांस, अपना पॉइंट जो है वो लिखें. सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप जब तैयारी करना शुरू करते हो, तो आप लोग इंग्लिश के माइंड को माइंड में ये चीज़ रखो कि वी आर स्टार्टिंग विद इंग्लिश, हमने करेक्ट सेंटेंसेस लिखने हैं. मैं पहले भी एक दो दफ़ा ये बात रिपीट की है, लेट मी टेल यू पीपल एज़ वेल, कि जब आप लोग लिखना शुरू करते हैं, तो जहाँ पर आपका सेंटेंस जो है लॉन्ग लेंथ में जाना शुरू हो जाता है, एरर आना शुरू हो जाता है. आप लोग हमेशा कम लाइन का वो करें, मेक स्मॉल सेंटेंसेस, सो दैट करेक्शन आपकी कम से कम एरर हो, कि आपका पॉइंट आउट जो आप बात कर रहे हो उसको छोटे उसमें करो. अगर हमारा बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस होगा, फॉर एग्जांपल 3 to 4 लाइंस पर एक जाके सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, तो वो एरर आएगा. सो ऑलवेज मेक स्मॉल सेंटेंसेस. वालेकुम सलाम. आप लोग जब स्मॉल सेंटेंसेस बनाओगे, तो फॉर श्योर उसके अंदर एरर नहीं आएगा. पहली ये बात है. दूसरा, बहुत से बच्चे एक बात पूछते हैं कि जब हम CSS के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, तो हम लोग जो बुक यूज़ करें वो कौन सी करें. तो बच्चों, इंग्लिश के लिए आप लोग, अगर आपने BA किया हुआ है, तो यू पीपल मस्ट बी हैविंग वन बुक ऑफ योर इंग्लिश. आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हो. और इसके साथ साथ आप बहुत सी मार्केट में प्रेसी के लिए, कॉम्पोजिशन के लिए, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड है, फिर एक और जो आपकी वर्ल्ड टाइम्स की बुक है, इंग्लिश की कंपाइल की भी, बुखारी आई डोंट सोनिया है शायद उनकी बुक है, वो बहुत अच्छी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहली बात यह कि जो बिगनर्स हैं फॉर 2020, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. सबसे पहली बात तो ये है कि CSS PMS इज़ गेम ऑफ टेम्परामेंट, कि आपका सबसे ज़्यादा तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है, 1200 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है, तो उसके लिए टेम्परामेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. और इसके साथ साथ ये है कि 600 मार्क्स आपके कंपल्सरी के हैं, 600 मार्क्स आपके ऑप्शनल्स के हैं. जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपके पास इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का है, देन यू हैव 100 मार्क प्रेसी कॉम्पोजिशन, ग्रामर का पेपर आ जाता है, देन इस्लामियात 100 मार्क्स, करंट अफेयर 100 मार्क्स, पाकिस्तान अफेयर 100 मार्क्स, एंड देन जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स. दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 600 मार्क्स. इन 600 को पास करना मेन टास्क है, कि इसमें हमें किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना. ऑप्शंस में हमारे पास G1 से G7 तक ग्रुप्स हैं, उसमें से आपने एक 200 का लाजमी सब्जेक्ट डिसाइड करना है. इसके साथ आप कोई भी 4 सब्जेक्ट्स और ऐड कर सकते हो 100-100 मार्क्स के. अगर आप कोई और 200 मार्क का रखना चाहते हो, वो भी रख सकते हो. लेकिन मैं इस बात पर थोड़ा सा इसलिए करती हूँ हेजिटेट, G2 ग्रुप को मैं थोड़ा सा अवॉइड करने को कहती हूँ. जिन बच्चों का मास्टर्स उसमें है, वो ज़रूर रखें. एल्स अगर आप ये देखो कि आप कंपल्सरीज को माइंड में रखते हुए सब्जेक्ट डिसाइड करते हो, तो दैट गेट सपोर्टिव. सो आई ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप लोग सपोर्टिव सब्जेक्ट लो, रादर देन कि आप बिल्कुल एक ऑपोजिट सब्जेक्ट उठाओ, जैसे केमिस्ट्री है या जोलॉजी है या फिजिक्स है या मैथमेटिक्स का कोई सब्जेक्ट है, जो आपके लिए डायरेक्टली हेल्पफुल नहीं होगा कंपल्सरीज के लिए, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है. यहाँ एक 2019 ऑलराइट अ डे आई विल डेफिनेटली लेट यू नो देर आर 4-5 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो मैं आपको बता दूंगी 2019 के लिए. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट डू यू मीन उमेर, व्हाट इज़ द टॉपिक, आई डोंट नो, बात क्लियर लिखें. इसमें यह है कि आप लोग जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप लोगों ने ऑप्शनल्स डिसाइड करने हैं, आप लोग कंपल्सरीज को माइंड में रखें एंड देन सेलेक्ट योर ऑप्शनल्स.
अब इसमें पीएमएस और सीएसएस के जो डिफरेंस आता है वो ये है कि जब आप लोगों की पीएमएस के अंदर आपका उर्दू लिटरेचर जो है वो कंपलसरी है, उसमें करंट अफेयर्स नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सब्जेक्ट रखें जो पीएमएस के लिए भी आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प आउट कर दे, तो उसमें कॉम्बिनेशन देख लें। आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देन यू हैव पंजाबी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास पीएमएस में भी हैं। अगर आप सीएसएस में भी ये सिलेक्ट करते हो तो साइड बाय साइड दोनों की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है वो ये है कि आप लोगों के ऑब्वियसली रेफरेंस भी आपके पास होना चाहिए। एक रेफरेंस बुक यूज़ करें, लिखने का थोड़े दिन लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को आदत हो जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, बच्चों मैं बार बार रिपीट करती हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग। जो बच्चा ये हैबिट रखेगा कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, फॉर श्योर उसको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ समझ में आ जाएगी। वहाँ से वोकैबुलरी आपकी पॉलिश होना शुरू हो जाएगी, देन आपके पास एक आइडिया एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ आपके करंट अफेयर बहुत अच्छे प्रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, आपको करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान जो है वो पता चल जाएगा। यस आई एम रनिंग अकेडमी, दैट इज़ एम आर फरीन सी एस एस पी एम एस इंस्टीट्यूट, इट्स इन गार्डन टाउन, D2 सी ब्रीज होम, शेरशाह ब्लॉक। अगर आप लोग फर्दर डिटेल्स लेना चाहते हैं, दैट इज़ 0321-499-1005, आप वहाँ पे डिटेल जो है वो कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो सी एस एस पी एम एस के लिए इट्स स्टिल 30 ईयर्स। आप लोगों की जो पी एम एस है वो January 1 तक आप 30 ईयर्स के होंगे, इन्होंने रिलैक्सेशन टाइम पीरियड दिया है। एंड फॉर योर सी एस एच इट्स 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपकी एज जो है वो 30 तक होगी। तो यू कैन अप्लाई जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। जो बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए भी बच्चों यही बात है कि आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, तो मैंने भी जब सब्जेक्ट डिसाइड किए थे तो इट वाज़ लाइक कि मैंने ये कन्वीनियंस देखी थी, या मेरे मेंटोर मुझे ये गाइड करते थे कि आप लोग वो सब्जेक्ट रखें जो स्कोरिंग है नंबर 1, नंबर 2 जो आपको आपके कंपल्सरीज पर सपोर्टिव है। बिकॉज डायरेक्टली तो कोई भी सब्जेक्ट आपको उस तरह नहीं हेल्प आउट कर सकता, बट मैनी सब्जेक्ट्स आर वेरी सपोर्टिंग, तो आप उनको रखो, ना कि आप बिल्कुल ऑपोजिट सब्जेक्ट रखो कि आपको 12 to 13 बुक्स उसके लिए पढ़नी पड़े। यस मोहम्मद इलियास, पीएमएस का इंशाल्लाह पेपर होगा बट समवेयर इन मार्च और अप्रैल, अभी इसकी डेट तो नहीं अनाउंस हुई लेकिन इंशाल्लाह होगा। यस श्योर बच्चे, मैं इब्ने कासिम अभी आई विल डेफिनेटली लेट यू राइट द नेम ऑफ द बुक्स, मैं अभी आपको वो साथ साथ गाइड कर दूंगी। वालेकुम सलाम मोहम्मद फवाद, यस फॉर श्योर मैं 2019 के लिए आप लोगों को एसेज जो है वो रिकमेंड कर दूंगी। डिफरेंस बिटवीन सी एस एस एंड पी एम एस इज़ दैट सी एस एस में आपके पास जो है आप लोगों की जो अगर आप मार्क के उसके अकॉर्डिंग करो तो सी एस एस लिटिल बिट ईजी देन योर पी एम एस। पी एम एस इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज उसमें उर्दू है। अब बहुत से बच्चे उर्दू से थोड़ा घबराते हैं, स्कोरिंग उसकी जो है वो थोड़ी नेगेटिव स्कोरिंग, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। तो सी एस एस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है नंबर 1। नंबर 2 आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है दैट इज़ इन्वॉल्व इन योर सी एस एस, एंड पी एम एस इन्वॉल्व योर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसमें आपके पास ये डिफरेंस आ जाता है। कोई ख़ास उसमें तो बहुत वो तो नहीं है, लेकिन येस फेडरल गवर्नमेंट के लिए सी एस एस जो है दैट्स लाइक वेरी सिक्योर, तो आपको सी एस एस में और पी एम एस में ये फ़र्क है। पास करने की बात है, दोनों को ट्राई करना चाहिए, जहाँ पे जो पास हो जाए दैट्स गुड, एक एंट्री वे ऑफ एंट्री टू गवर्नमेंट सेक्टर है, ये बहुत बड़ी बात है। मार्किंग के अगर अकॉर्डिंग आप बात करो तो सी एस एस इज़ लिटिल बिट ईजियर देन पी एम एस। पी एम एस में पास ज़रा बंदा मुश्किल से होता है। बच्चों मैं आप लोगों को एस ए के टॉपिक्स फॉर श्योर बता दूंगी। टुडे माई एजेंडा दैट आई एम हेयर इज़ दैट आई शुड गाइड द
वंस जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन स्टार्टिंग टू 2020 के जो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल CSS को भी स्टार्ट करना है पढ़ना, उन लोगों के लिए है फॉर श्योर. आई विल मेक इट राइट डाउन, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी पेज पर, आप लोग वहाँ से इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो कर सकते हैं, मैं आपको लिख के भेज दूंगी. येस, पोलिटिकल साइंस इज़ अ गुड सब्जेक्ट. प्लस इसके लिए जो आप MCQs के लिए कह रहे हो उसमें ये है कि जो आपकी कंपेरिजन ऑफ पोलिटिकल सिस्टम है या कॉन्स्टिट्यूशन पोलिटिकल हिस्ट्री है उसको पढ़ें. एंड आप ये कहो कि MCQ बनाने के, मैं बुक तो कोई आपको नहीं रिकमेंड कर सकती मेरे, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैं हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि आप लोगों ने अगर थेरेटिकल पढ़ा है तो आप MCQ उसको सॉल्व कर सकते हो. ये कोई दिस इज़ नो रूल कि आप बुक उठाओ और MCQ करना शुरू कर दो. अगर आपको थेरी आती है, आपको पता है, तो डेफिनेटली यू नो द आंसर. थेरी थेरेटिकल आप इसको इतना स्ट्रांग करो कि आप आंसर्स को खुद फाइंड आउट करो. ठीक है, जब आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए तो आप कोई बुक लेकर या पास पेपर्स लेकर उसको ज़रूर सॉल्व करो. बट जो आपकी तैयारी अच्छी होगी तो फिर MCQ की बुक के लिए मैं आपको देख के बता दूंगी इफ़ देयर्स सम बुक इन मार्केट फॉर MCQs. बट सो फार मुझे तो यही लगता है कि आप लोग अगर खुद से थ्योरेटिकल अच्छी ग्रिप रखेंगे तो फॉर श्योर आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं. दैट्स नॉट डिफिकल्ट. कमिंग बैक टू द पॉइंट, दो बच्चों ने मुझे सवाल अभी किया था कि मेडिकल के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सब्जेक्ट्स रखें. बच्चों इट्स द सेम थिंग, मैं आपको दोबारा बता दूं कि आप लोग जब सब्जेक्ट डिसाइड करते हो, फर्स्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर इंग्लिश, दैट इज़ इट गुड और नॉट. स्टार्ट वर्किंग फॉर योर इंग्लिश पेपर, बिकॉज असल चीज़ तो ये है अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी ग्रिप आ जाएगी तो आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से कर सकते हो. लेकिन उसके साथ साथ अगर तो आपका PMS का प्लान है तो फिर आप लोग जो मैं भी सब्जेक्ट्स बोल रही हूँ आप लोग ये भी रख सकते हैं. अगर नहीं भी है तो फिर भी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं, वो मैं रिपीट कर देती हूँ. जो आपके जो PMS और CSS दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, उनके लिए जो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो देन सेलेक्ट पोलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री ऑफ USA और ब्रिटिश हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी. अगेन यू गॉट वैरायटी. इफ़ यू वांट टू टेक जेंडर स्टडीज़ इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड, फाइन, फिर आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, क्रिमिनोलॉजी को ड्रॉप कर सकते हो. या हिस्ट्रीज में आई रिकमेंड कि हिस्ट्री का एक पेपर आपको ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए. ईदर गो फॉर हिस्ट्री ऑफ USA और ब्रिटिश हिस्ट्री. उसके बाद जो आपके पास सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी इज़ अ गुड सब्जेक्ट. जो बच्चे सोशियोलॉजी रख रहे हैं वो जेंडर स्टडीज़ अगर रखते हैं तो इट्स पार्ट ऑफ दैट, वो आपको हेल्प कर सकता है. तो लेकिन जब आप जेंडर का पेपर सॉल्व करें तो कीप दिस इन माइंड दैट यू शुड राइट सोशियोलॉजिकल टर्म्स फॉर दैट, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करती हैं. जिनकी बेसिस लॉ से रिगार्डिंग है वो तो लॉ का सब्जेक्ट रखें. जिन बच्चों की नहीं है वो पब्लिक एड की तरफ भी जा सकते हैं, उस ग्रुप में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं. एल्स आप लोगों को जो मैंने अभी मेंशन किया है उनमें से आप सब्जेक्ट्स रख सकते हैं. जिसकी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम, आपको लगता है कि जेंडर स्टडीज़ मुश्किल है या सोशियोलॉजी मुश्किल है, तो आपके पास हिस्ट्रीज़ के सब्जेक्ट भी हैं, आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी भी अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा रट्टा लगा सकते हैं तो. BA के लिए भी बच्चे यही बात है कि अगर आपने एक्सक्यूज़ मी BA किया है तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यस, पंजाबी इज़ वेरी स्कोरिंग. अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप पंजाबी भी रख सकते हैं. BA के बच्चे भी इस कॉम्बिनेशन पे जा सकते हैं. एक लॉज में से सब्जेक्ट ज़रूर रखें. इधर यू कैन गो फॉर इंटरनेशनल लॉ और यू कैन ऑप्ट क्रिमिनोलॉजी बिकॉज इट्स ईजी. आपको अगर थोड़ी देर, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा अरसा है, आप तैयारी बहुत अच्छी उसकी कर सकते हैं, तो आप उसमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें. नहीं, अगर आपने पेपर दिया है तो वो काउंट होगा. अगर आपने सिर्फ फॉर्म फिल किया और पेपर नहीं दिया तो ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी. येस, फॉर लॉ स्टूडेंट्स आई जस्ट मैंशन दैट आपके लिए पोलिटिकल साइंस है, पंजाबी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. देन आपके लॉज में से अगर आपने मुस्लिम लॉ भी रखना चाहते हैं, मुस्लिम लॉ सिर्फ मैं लॉयर्स को इसलिए कहती हूँ कि वो रख लें क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है और ईजी भी है, लॉयर्स के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है. लेकिन अगेन द ओनली वन थिंग जो इसमें थोड़ा सा लूप हो लेकर आती है, दैट इज़ स्कोरिंग ट्रेंड, कि उसके स्कोर का थोड़ा सा इशू हो जाता है. पूछ लो.
अगर आप लोग लॉ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ भी रख सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी भी रख सकते हैं, मुस्लिम लॉ भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी दीज टू आर स्कोरिंग देन द रेस्ट ऑफ द वन. लेकिन लॉयर के पास क्योंकि एज है, उसके पास रेफरेंसेज हैं, आर्टिकल्स पता हैं, क्लॉजेस पता हैं, तो वो उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं. वालेकुम सलाम. बीबीए स्टूडेंट्स के लिए भी बच्चे जो मैंने आपको बताए हैं सब्जेक्ट, ये सब के लिए ही हैं. आप लोग इनके ऊपर वर्किंग कर सकते हो. आप ये सिर्फ आपके पास जो एक कन्फ्यूजन वाला एरिया है वो ये है कि आप कोर्स आउटलाइन खुद देख लो, जो आपको लगता है कि इट्स लाइक ईजियर आप उसकी तरफ चले जाओ. ऑप्शंस हैं आपके पास, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्रीज, जेंडर स्टडीज, सोशियोलॉजी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से आप कौन सा सब्जेक्ट रखते हो. बच्चों जो एकेडमी के बारे में पूछ रहे हैं, दैट इज D2 सी ब्रीज होम, शेरशाह ब्लॉक, गार्डन टाउन, नियर क्रिम्सन इवेंट. इसका नंबर जो एकेडमी का है, दैट इज 0321-499-1005. इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमिक्स पे ग्रिप है या आपने पहले पढ़ा हुआ है तो दैट्स फाइन. अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो. 8 to 9 months में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है. IR सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है. उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि मार्किंग ट्रेंड थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट सब्जेक्ट बहुत अच्छा है. IR भी आप रख सकते हैं, पोल साइंस भी रख सकते हैं, एंड यू कैन इवन हैव इकोनॉमिक्स. बट आप इतनी बेसिस देख लें पहले, बैकग्राउंड देखें कि इफ़ यू आर अ लॉयर यू कैन टेक पोलिटिकल साइंस. PMS का अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो IR उसमें नहीं है, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स है, आप उसको रख सकते हो. इंडो पाक हिस्ट्री बच्चों मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करती कि एक तो वो बहुत लेंथी है, प्लस येस इट्स वेरी सपोर्टिंग फॉर योर कंपल्सरीज, बट उसमें नंबर नहीं आते, तो इसलिए 44-45 मार्क्स हमें एच चाहिए. 8 नंबर भी हमारे एक नंबर से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो 8-9 नंबर अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में कम हो जाएं, जैसे 42-43 नंबर अगर आ रहे हैं, कोई और हमने हिस्ट्री ऑफ USA या ब्रिटिश हिस्ट्री रखी है और 50-55 आ रहे हैं, तो हमें फिर उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए जिसमें हमारा स्कोर ज़्यादा आ रहा है. येस इफ़ यू हैव डन MA इकोनॉमिक गो हैड, आप लोग रखो, कोई मसला नहीं होगा. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, उसका स्कोर भी बहुत अच्छा है. पब्लिक एड में आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं. बिजनेस एड उसके अकॉर्डिंग मुश्किल है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो मैंने रिकमेंड किया है, स्कोरिंग है. स्ट्रॉन्ग इंग्लिश के लिए बच्चों दो चीज़ें हैं, एक तो आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करें, प्लस ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस करें. जितनी आप लोग ट्रांसलेशन करोगे आपके पास वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती जाएगी, सिंटेंस कंस्ट्रक्शन भी ठीक होता जाएगा और टेंसेस रिवाइज होंगे. न्यूज़पेपर रीडिंग से आपके पास वोकैबुलरी जो है वो एड अप होती जाएगी. बच्चों बहुत से क्वेश्चंस यूं हिल रहे हैं जो कि मैंने 2-3 मेरी नज़रों से गुजर गए. अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है आफ्टरवर्ड्स मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी. MCQ पेपर के लिए बच्चे मैं आपको बता दूं कि मार्केट में बहुत से लोगों ने मेरे पास भी एक दो लोग आए हैं कि जी हमें हम प्रिपरेशन करवा देते हैं, बट आई एम माई सेल्फ नॉट सेटिस्फाइड बाय दैट मेथड. अगर आपको लगता है कि खाली MCQ करके हम पेपर कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता. अगर आपकी थ्योरेटिकल बेसिस स्ट्रांग है तो आप कर सकते हो. वन पेपर MCQ के लिए आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसके लिए पाकिस्तान अफेयर, कुछ करंट इश्यूज़ आपको पता होने चाहिए, करेंसीज़ जो हैं, हेड ऑफ स्टेट्स क्या है, देन न्यूली डिजीज़ जो आपके पास आ रहे हैं, ट्रीटमेंट रिवाइज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आपको प्रेजिडेंट्स के नाम आने चाहिए. मैथ्स पे आपकी थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए. जनरल साइंस, अर्थ के बारे में, ज्योग्राफी से रिगार्डिंग, एटमोसफेयर का, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो आपका पेपर हो सकता है. अच्छा एक बच्चों देयर इज समथिंग टू टेल यू, जो बच्चे इस्लामाबाद से या पिंडी से हैं, टुमारो इंशाल्लाह देयर इज अ प्लेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, रॉयल सन होटल है. आई विल बी देयर फ्रॉम 12 to 2. जो बच्चे मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं और देर नीड एनी गाइडलाइन रिगार्डिंग CSS और PMS, दे कैन कम देयर, बट फॉर दैट यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट. आप लोग CSS टाइम्स पर या 0321-499-1005
पर जो है अपना नाम उस पर टेक्स्ट कर दें। उस लिस्ट में जो बच्चे मेरे पास जिनके नाम आएंगे, फॉर श्योर आई विल गिव देम टाइम। मैं आप लोगों की जितनी क्वेरीज हैं, लेकिन एक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो मुझसे पूछना चाहते हैं एक कागज़ पर लिख के लेकर आइएगा, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बिकॉज आई विल बी ओनली देयर फॉर 2 आवर्स। आई विल ट्राई कि मैं जिन बच्चों के जो क्वेश्चन हैं मैं उनको जो है उसका आंसर कर दूँ। अगर आप मुझसे कोई मटीरियल चेक करवाना चाहते हैं, आई ट्राई कि मैं उधर अगर कर सकती हुई तो ज़रूर कर दूँ। एल्स आप लोग अपना जो एनवेलप एक बना लीजिएगा, उस पर आप जो आपके नोट जो आप चेक कराना चाहते हैं, नॉट मोर देन 2 क्वेश्चन, आप वो उस पर एड्रेस के साथ दे दीजिएगा, सो दैट आई चेक इट एंड आई रिटर्न यू बैक। मैं आपको वापस रिटर्न कर दूँगी। टाउन प्लानिंग इज़ अ गुड सब्जेक्ट। अगर आप उसको पढ़ रहे हो, अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी है, बट उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि आपको थोड़ा सा रट्टा है, कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है, वो आप ज़रूर कर सकते हो तो ज़रूर कर लें।